वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूँ केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इग्नू के न्यू एडमिशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं इग्नू ने जुलाई 2019 के लिए न्यू एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर कोर्सेज के बारे में कि इग्नू इस बार जुलाई 2019 में कौन कौन से बैचलर कोर्स में एडमिशन करवा रहा है और कौन कौन से कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी फ़ीस होगी, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इग्नू का जो पहला बैचलर कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि बीए, जो कि जनरल और मेजर दोनों तरीके से है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं तो मेजर हो जाती है, यानी कि ऑनर्स, अदरवाइज आप बीए जनरल भी कर सकते हैं। तो इग्नू में जो बीए के लिए यानी बैचलर ऑफ आर्ट के लिए एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट भी बीए में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इग्नू से बैचलर प्रिपेटरी प्रोग्राम यानी बीपीपी प्रोग्राम को किया हुआ है, तो वो सभी इसमें एडमिशन ले पाएंगे। अगर हम बात करें इस कोर्स के मीडियम की, तो ये कोर्स आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, यानी ये बायलैंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इस कोर्स को पढ़ पाएंगे। एंड अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ये 3 साल का कोर्स है, मैक्सिमम आप इसे 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 6 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई ईयर या सेमेस्टर मिस हो जाता है बीए करने के दौरान, तो आप उसे नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं, यानी टोटल आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे 6 साल का दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में कि इग्नू बीए के लिए कितनी फ़ीस इग्नू ने डिसाइड की है। इग्नू बीए करने के लिए जो टोटल फ़ीस है वो 7200 है, यानी 7200 रुपये। अगर आप इसे पर ईयर पे करेंगे तो आपको 2400 रुपये पे करने होंगे, बट जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के टाइम पे आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होता है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पे फीस पे करते हैं तो आपको 2600 रुपये फीस देनी होगी। उसके बाद जब सेकेंड ईयर आप एडमिशन यानी री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको 2400 रुपये, एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दोबारा से आपको 2400 रुपये देने होंगे। तो ओवरऑल ये बीए का ओवरव्यू है जो आपको समझना ज़रूरी है अगर आप इग्नू की बीए कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इग्नू के नेक्स्ट बैचलर कोर्स के बारे में। इग्नू का नेक्स्ट बैचलर कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि बीसीए। इग्नू से बीसीए करने के लिए आपको 10+2 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इस कोर्स को इग्नू से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस कोर्स के मीडियम की, तो ये कोर्स आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि हिंदी लैंग्वेज इस कोर्स के लिए नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो सेम बैचलर कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल से 6 साल की होती है, तो मिनिमम इसकी टाइम जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है और मैक्सिमम आप इसे 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए आप जनवरी सेशन और जुलाई सेशन दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, और जैसा कि मैंने बीए के बारे में बताया था उस कोर्स को भी आप जनवरी और जुलाई दोनों सेशन में कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इस कोर्स की फ़ीस की, तो इस कोर्स की जो कंप्लीट यानी टोटल फीस है वो 36000 रुपये है, और इस कोर्स में 6 सेमेस्टर हैं तो आपको पर सेमेस्टर 6000 रुपये पे करने होंगे, यानी अगर आप 6 बार 6000 रुपीज़ पे करते हैं तो टोटल फीस आप 6 बार में देंगे 36000 रुपीज़। एंड अगर हम इस कोर्स के क्रेडिट की बात करेंगे, कितने क्रेडिट का ये कोर्स है, तो टोटल इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 99 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे। जब आप 99 क्रेडिट कंप्लीट कर लेंगे देन आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं इग्नू के थर्ड बैचलर कोर्स के बारे में, जो है बैचलर इन कॉमर्स यानी बीकॉम। बीकॉम कोर्स इग्नू के दोनों सेशन में अवेलेबल है, चाहे आप जनवरी में एडमिशन लें या जुलाई में एडमिशन लें, दोनों सेशन में इसमें एडमिशन होते हैं। एंड अगर बात करें हम इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए जो सभी स्टूडेंट 10+2 पास आउट हैं वो सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम आपको यहाँ पर दोनों मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देन बात करते हैं इसके कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 6 साल की है।
देन लास्ट पॉइंट, अगर बीकॉम की अगर बात करें हम फीस के बारे में, तो फीस यहाँ पर बीए और बीकॉम की बिल्कुल सेम है, यानी 7200 रुपये कम्प्लीट फीस है, जिसको आपको पर ईयर 2400 रुपये पे करने होंगे। यानी एडमिशन के टाइम पे आपको 2600 रुपये देने होंगे, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए आपको फर्स्ट टाइम पे 2600 पे करने होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप पे करेंगे तो आपको 2400 रुपये इस कोर्स के लिए पे करने होंगे। सो अब बात करते हैं इग्नू के चौथे बैचलर कोर्स के बारे में, जो मोस्टली स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स इग्नू में बैचलर और मास्टर दोनों में अवेलेबल है। ये कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी BLIS। इस कोर्स की काफ़ी डिमांड है आजकल, काफ़ी स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। अगर इस कोर्स की हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो इस कोर्स को इग्नू से करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% चाहिए होंगे, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन ही ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% अपनी ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे। इन केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से, देन आपको 45% अपनी ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे इस कोर्स को इग्नू से करने के लिए। अगर हम बात करें इस कोर्स के मीडियम की, तो मीडियम इसका सिर्फ इंग्लिश है। ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी में आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो सिर्फ ये 1 साल का कोर्स है, आपको 1 साल में इसको कंप्लीट करना होगा। मैक्सिमम इसके लिए आपको 4 साल दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें इस कोर्स की फ़ीस की, तो टोटल फ़ीस इसकी 6000 रुपये है, जो आपको वन टाइम पेमेंट करनी है, यानी एक ही बार में इसकी एडमिशन के टाइम पे पेमेंट होगी। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट ईयर आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा, अपने फर्स्ट और लास्ट ईयर का, क्योंकि एक ही सेमेस्टर एक ही ईयर इसमें होता है, तो एक ही बार आपको उन सभी सब्जेक्ट को कम्प्लीट करना होगा और नेक्स्ट ईयर उनके एग्ज़ाम देने होंगे। इस कोर्स को भी आप जनवरी और जुलाई दोनों सेशन में कर सकते हैं, दोनों सेशन में ये कोर्स अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं इग्नू के पांचवें बैचलर कोर्स के बारे में, जो है बैचलर इन साइंस, यानी BSc। BSc कोर्स इग्नू में ओपन डिस्टेंस यानी ओपन लर्निंग के थ्रू ही होता है। आपको इसमें प्रैक्टिकल अपने स्टडी सेंटर पे अटेंड करने होते हैं। अगर हम बात करें इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपको 10+2 विद साइंस स्ट्रीम चाहिए। जो स्टूडेंट 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास आउट हैं, वो सभी स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन इसकी मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 6 साल है। एंड मीडियम की अगर हम बात करते हैं, तो मीडियम आपको यहाँ पर दोनों मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चंस एंड बुक्स मिल जाएंगी। देन बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस के बारे में। इस कोर्स की टोटल फ़ीस 12600 रुपये है, जो आपको फर्स्ट टाइम पे करनी होगी 4400, यानी 4400। देन उसके बाद अगर आप इसे पे करते हैं, तो आपको 4200 रुपये यानी 4200 रुपये इस कोर्स के लिए पे करने होंगे। फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, इसलिए ये फ़ीस 4400 हो जाती है। देन उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको 4200 रुपये इस कोर्स की फ़ीस देनी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 96 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे, तभी आप BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस इग्नू से कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट बैचलर कोर्स जो इग्नू प्रोवाइड कराता है, वो है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यानी BSW। इस कोर्स को काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट हर साल इसमें एडमिशन लेते हैं। सो इस कोर्स की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो इस कोर्स को करने के लिए आपको 10+2 पास आउट स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है, यानी अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर रखी है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स का जो मीडियम है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और इस कोर्स को आप दोनों सेशन में कर सकते हैं, यानी जनवरी सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं और जुलाई सेशन में भी। कोर्स की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल इस कोर्स के लिए ड्यूरेशन डिसाइड की गई है। एंड इस कोर्स की जो फीस है, वो है 14400 रुपये, जिसको आपको ईयरली पे करना है, यानी हर साल आपको 4800 रुपये इसकी फ़ीस देनी होगी, तब जाके इस कोर्स की जो कंप्लीट फ़ीस है वो आप पे करेंगे। देन इस कोर्स के जो टोटल क्रेडिट हैं, वो 96 हैं। सो ओवरऑल यही पूरा ओवरव्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क के कोर्स के बारे में है। एंड ऑल ओवर जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिन सभी कोर्स में इस बार एडमिशन जुलाई 2019 में हो रहे हैं। और ये सारे कोर्स
दोनों सेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनको सभी कोर्स की मैंने सभी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर ली है, जो सभी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इग्नू में इन किसी कोर्स इनमें से किसी एक कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।